रोजाना 1 ग्राम लेना शुरू कर दीजिए। क्या आपको भी दिल से संबंधित कोई समस्या है या बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? क्या आपकी भी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं या स्किन पर ड्राइनेस और डलनेस बहुत ज्यादा रहती है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में जिसका सेवन अगर आप 1 ग्राम रोजाना कर लेते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 25 तरह की अलग अलग बीमारियों से ये आपको बचा के रखेगा। तो दोस्तों, ये चीज है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसका बहुत आसान सा साधन कौन सा है ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने का, ये आज की वीडियो में बताएंगे। साथ ही सबसे पहले बताने जा रहे हैं इसके फायदे क्या क्या हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे बड़ा इसका हेल्थ बेनिफिट जो है वो है हमारे हार्ट यानी हमारे दिल के लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना आप स्टार्ट कर दीजिए तो इसका सबसे पहला इफेक्ट हमारी बॉडी के ट्राइग्लिसराइड पर पड़ता है, यानी कि ये खून के अंदर जो जमा चर्बी है, खराब चर्बी है, उसको कम करना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको कम करता है, आपके अंदर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने का ये काम करता है। इसके साथ साथ दोस्तों, जो लोग रोजाना ओमेगा 3 फैटी एसिड को रेगुलरली अपनी डाइट के अंदर लेते हैं, उनके अंदर बॉडी में खून का थक्का जमने या फिर क्लोटिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। खून पतला हो जाता है जिसकी वजह से ब्लॉकेज की प्रॉब्लम नहीं होती। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि हमारी बॉडी के अंदर जो नसें होती हैं, उनको भी ये लचीला करता है, नरम करता है। उम्र के साथ साथ जो नसों के अंदर सख्ती आ जाती है, उनको भी ये ठीक करता है। बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है। ये सभी चीजें मिलकर हमारे दिल की अलग अलग बीमारियों से हमें बचा कर रखती है। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड की दूसरा बेनिफिट की बात करें तो ये हमारे हड्डियों और जॉइंट के लिए बहुत अच्छा है। आप इसे अपनी डाइट के अंदर ले लीजिए, ये हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी को ऑब्जर्व करवाएगा, यानी कि सोखने का काम करवाएगा, कैल्शियम की कमी कभी नहीं होने देगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ भी आपकी हड्डियां मजबूत ही बनी रहेंगी, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा यानी कि हड्डियों का खोखला होना या कमजोर होने की समस्या नहीं आएगी। इसके साथ साथ ये हमारी हड्डियों और जॉइंट को स्मूथ बनाएगा, उनमें ताकत लाएगा, उनमें इंफ्लेमेशन को दूर कर देगा। ये एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी से भरा हुआ है, तो इसकी वजह से अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम, गाउट जैसी प्रॉब्लम से भी हम बचे रहते हैं, जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम भी कम होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड त्वचा को हेल्दी बनाता है, स्मूथ बनाता है, त्वचा को हाइड्रेट रखता है। इसके साथ साथ अगर आपको दोस्तों स्किन में सोराइसिस यानी खारिश होना, इचिंग होने की समस्या है, तब भी ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत बढ़िया है। ये हमारे बालों की ग्रोथ को अच्छा करता है, बालों को स्वस्थ करता है, बालों की नरिशिंग के लिए काफी अच्छा है। सिर्फ बालों पर ऊपर से लगाना ही ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छा नहीं है। जैसे आपने बहुत सारी वीडियोस में या फिर कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा कि अलसी को लगाना चाहिए। दोस्तों, अलसी में काफी अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, लेकिन इसे खाना उससे भी ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी शरीर में हो जाए तो आंखों की अलग अलग तकलीफें हमें सहनी पड़ती है। दोस्तों, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, यानी कि अगर इसकी कमी हमारी बॉडी में होती है तो हमारी याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है, ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो स्लो हो जाती है। तो दोस्तों, आपको अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर लेना है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के जो भी साधन है, नॉन वेज और वेज बराबर से पड़ते हैं। दोस्तों, वेज में अगर आपको बताऊं, यानी वेजिटेरियन लोगों के लिए, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड अलसी में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप 1 चम्मच अलसी को रात को भिगो दीजिए और सुबह आप इसका सेवन कर लीजिए। आप इसे ग्राइंड करके एक शेक बनाकर सेवन कर सकते हैं, या फिर वैसे ही अलसी जो भिगी हुई है वो जेल रूप में बन जाएगी, आप ऐसे सेवन कर सकते हैं।
आप चिया सीड का सेवन कर सकते हैं। चिया सीड के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड अलसी से भी ज्यादा होता है, आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप भिगे हुए अखरोट का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों ही चीजें वेजिटेरियन है और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरी हुई है। आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए रोजाना 1 चम्मच चिया सीड या फिर 1 चम्मच अलसी के बीच या फिर 2 अखरोट, इन तीनों में से किसी भी एक चीज को शामिल करके आप अपनी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड को पूरा कर सकते हैं और इन सभी तकलीफों से बचे रह सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी इन्फॉर्मेशन यही तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।